गाइस हम लोगों ने Amazon की सेल के ऊपर वीडियो बना दी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको पॉपअप होकर के आ रहा होगा इस वीडियो का लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करना। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में जो चलने वाली है 20 तारीख से लेकर के दोस्तों 24 जनवरी तक। जी फ्रेंड्स, इस सेल का नाम है दोस्तों बिग सेविंग डे सेल। यहाँ पे आपको क्या कमाल धमाल का ऑफर देखने को मिलने वाले हैं स्मार्टफोन पर। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% का और ऑफ देखने को मिल जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रेंड से अरेंज कर सकते हैं आप लोग। वैसे दोस्तों क्रेडिट कार्ड के अलावा स्मार्टफोन पर भी दोस्तों एंड टेलिंग यू कम डिस्काउंट नहीं है। मैं जानना चाहेंगी तो मैंने इस लिस्ट में कुछ ऐसे स्मार्टफोन शामिल किए हैं जो इस टाइम पर सबसे अच्छे हैं आप लोगों के लिए। मैं जानना चाहेंगी तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पास लेक्चर में। वैसे दोस्तों मैं जितने भी आपको स्मार्टफोन बताने वाला हूँ डील्स के बारे में तो सभी के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, पहले से बता दिया है, चेक जरूर से कर लेना। तो दोस्तों ये सबसे पहला स्मार्टफोन है जिस पर आपको काफी ज्यादा अच्छी डील देखने को मिल रही है, जिसका नाम है पोको M2। स्टार्टिंग में ये आया था स्मार्टफोन तो 6GB 64GB वेरिएंट की प्राइस 13,000 रुपए थी। इस सेल में आपको ये देखने को मिलेगा मात्र 10,000 रुपए का। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 1500 रुपए और ऑफ देखने को मिल जाएंगे, मतलब आपको 8,500 रुपए में दोस्तों ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हीलियो का G80 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, 5000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है, 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों पोको M2 डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया चॉइस रहेगा 8,500 रुपए की प्राइस में, और ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए परचेज। अब दोस्तों जो मैं आपको अगला स्मार्टफोन बता रहा हूँ, ये स्मार्टफोन की पिछली बार सेल आई थी उस टाइम पर बहुत ज्यादा डिमांड में रहा था, मिला ही नहीं था उस सेल में। मैं बात कर रहा हूँ LG G8X के बारे में, जहाँ पे आपको डुअल स्क्रीन देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ तो तगड़ा है Qualcomm Snapdragon 855। जी फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की प्राइस की तो 70,000 रुपए इसकी प्राइस हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम पर सेल में आपको ये मात्र 23,000 रुपए का देखने को मिलेगा। 23,000 रुपए का दोस्तों डुअल स्क्रीन वाला ये स्मार्टफोन, जिसमें आप कैमरे भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, प्रोसेसर भी अच्छा है। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करूँ दोस्तों तो मोटो कंपनी की तरफ से आता है, इसका नाम है दोस्तों Moto G9। यहाँ पे अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूँ तो 11,000 रुपए है। अगर आपके पास दोस्तों क्रेडिट कार्ड लगा देते हैं तो आपको ये मात्र 10,000 रुपए में देखने को मिलेगा। 10,000 रुपए में दोस्तों 48 मेगापिक्सल Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, आपको बताइए और क्या चाहिए दोस्तों। 10,000 रुपए में डेफिनेटली आप Moto G9 को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में इसकी प्राइस 14 से 15,000 रुपए थी, आज आपको ये मात्र 10,000 रुपए में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको एक और स्मार्टफोन बताना चाहूंगा जो कि स्क्रीन में आपको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए, जिसका नाम है पोको M2 Pro। स्टार्टिंग में जो इस स्मार्टफोन की प्राइस थी वो दोस्तों 14 से 15,000 रुपए थी, इस सेल में आपको ये मात्र 11,000 रुपए का मिलेगा। 11,000 रुपए में आपको इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 720G का चिपसेट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, 5,000 एमएच की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। कम्प्लीटली दोस्तों ये अच्छा स्मार्टफोन है आपको 11,000 रुपए में, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए अगर आपका बजट 10 या 11,000 रुपए है तो पोको M2 Pro आप आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो मैं आपको एक स्मार्टफोन जरूर से रिकमेंड करना चाहूंगा, जो रिसेंटली में ही लॉन्च हुआ था, काफी ज्यादा अच्छा भी स्मार्टफोन है जो आता है Moto कंपनी की तरफ से, इसका नाम है दोस्तों Moto G5 5G। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। ये इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो Qualcomm Snapdragon 750G के साथ आता है, तभी तो ये स्मार्टफोन दोस्तों 5G स्मार्टफोन है, क्योंकि ये प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करता है। उतना ही नहीं दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, कोई भी आपको एंड्रॉइड देखने को नहीं मिलते। प्राइस की बात करूँ तो एक ही वेरियंट आता है इसका 6GB 128GB, इस टाइम पर ऑफर में आपको ये मात्र 19,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। 19,000 रुपए में दोस्तों
डेफिनेटली आपको Moto G 5G को कंसीडर करना चाहिए, मतलब फ्यूचरेबल स्मार्टफोन है। अगर कुछ टाइम के बाद 5G आ जाता है तो ये उसको सपोर्ट करेगा, आपको फोन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं फोन को चेंज नहीं करना चाहते हैं, दो तीन साल चलाना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। एप्पल के लवर है तो मैंने एप्पल के लोगों के लिए भी एक स्मार्टफोन अपनी लिस्ट में शामिल किया जिसमें काफी ज्यादा कमाल का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस स्मार्टफोन का नाम है iPhone SE। जो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है। एप्पल के कैमरे पर नहीं चाहिएगा कितने मेगापिक्सल का दिया गया ये आपको विशेष पता होगा। अगर मैं आपको बताऊँ 4.7 इंच की यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इसका जो चिपसेट है वो काफी ज्यादा कमाल धमाल का A30 की बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप अपने स्मार्टफोन के साथ कितनी भी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपका स्मार्टफोन लैग या हैंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। ये आप कह सकते हैं 2-3 साल तक आप इस चिप को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई भी स्मार्टफोन के साथ परेशानी नहीं आने वाली है हैंगिंग या लैगिंग की। प्राइस की बात करूं दोस्तों तो स्टार्टिंग में इसकी प्राइस तकरीबन 40,000 क्योंकि लोगों को भी पता चले कौन से स्मार्टफोन पर कितना कितना ऑफ देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली शेयर करना। और हाँ दोस्तों, मैंने Amazon की सेल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, मैं अगेन कह रहा हूँ उस वीडियो को भी जरूर से चेक कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि Amazon की सेल पर कौन से अच्छे स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे दोस्तों इस लिस्ट में मैंने स्मार्टफोन शामिल किए जिससे कंप्लीटली अलग स्मार्टफोन है वो।